प्रेमचंद यादव, मीडिया रिपोर्टर, थाना जानांगन। चाचा अपना परिचय बताइए पहले। राधे यादव, एक न्याय पंचायत जलालाबाद कोऑपरेटिव अध्यक्ष, भोजपुर गांव का पड़ता है, सुल्तानपुर। कार्यालय कहाँ है? कार्यालय जलालाबाद का मोहाली। कौन सा कार्यालय? समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मैं बोल रहा हूँ कि भाजपा को उखाड़ फेंकिए, सपा को ले आइए, देश को बचाइए। जोगी जी से नाराज है क्या? हाँ, जोगी जी से नाराज है। क्यों? बहुत ज्यादा नाराज है कि महंगाई कर दिया, आसान छोड़ के किसानों को बर्बाद कर दिया, पीलीभीत में नौ गो किसानों का हत्या कर दिया, मंत्री का लड़का भाजपा का, राइट, ये बर्बाद कर दिया, देश को संविधान बेच दिया और देश को बेचने जा रहा है, जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया, गरीब कहाँ जाएंगे? गरीबों का आरक्षण जो है वो काट करके फॉरवर्ड में दे दिया, हम लोग गरीब आदमी कहाँ रहेंगे? बोले अखिलेश यादव जिंदाबाद। ऐसा है कि मोदी जी कहते कि हवाई चप्पल वाले भी जहाज पे चलेंगे, क्या नीति है आपकी? हमारी नीति है कि सब गरीबों का आरक्षण छीन लिया, उनका अधिकार है, गरीब का मिलना चाहिए। राधे यादव सुल्तानपुर, भोजपुर न्याय ग्राम सभा कहाँ है? सुल्तानपुर जलालाबाद। जलालाबाद तो क्या आगे क्या निर्णय बताइए? आगे आगे ये राजनीति है कि आगे चलना है और देश को बचाना है, भविष्य बनाना है, अखिलेश को बुलाना। बोले अखिलेश यादव जिंदाबाद। कैसे क्या करेंगे? अखिलेश आएंगे तो हर जात का आरक्षण देंगे, हर आदमी के लड़का पढ़ाई शिक्षित सबको देंगे, और भर्ती भी भारत के जो नौजवान है उनको 10 लाख जनता को नौकरी देंगे। जो बीच में भर्ती नहीं हुई है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मोदी जो भी जाने, जमाना खत्म है। बच्चों क्या नौजवान बच्चों का भविष्य, एक बीजेपी जो है वो भविष्य बच्चों का खत्म कर दिया है, शिक्षा लेकर छेदक कर दिया है, कुछ नहीं बचा है जमाने में, कम से कम अच्छे तो बचाइए। भाई 5 किलो राशन दे रहा है, अनाज दे रहा है, एक तरफ ले रहे हैं। हाँ, हर बिरादरी इंदिरा गांधी देती थी, मुलायम सिंह अखिलेश देते थे, इहो देते को नई बात कहले न हम, ये सब जमाने में मिला। अरे भाई होगी वो कहते हैं कि स्प्रे सम दिए, स्प्रे का जुटे उद्घाटन का छुआ, ब्रेज सूट चलाना अखिलेश, स्प्रे सूट चलाना, फोर लाइन यू चलाना, हाई कुछ चलाना, आपके बताओ थे कि हाई डिलीवरी गाड़ी। हाँ, हार गई पंद्रह लाख रुपया मोदिया जो किया झूठ बोल के गरीबों का खाता से 5 पैसा निकाले, नोटबंदी करके बर्बाद कर दिया, देश को बेच दिया, क्या बाकी है? अब नहीं छे आप लोग छोटे देश सबका गायब हो जाएगा बाबू। राहुल गांधी का आप क्या है, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सबका हक हिस्सा मिलो, सभी राइट से रहो और सबका हक हिस्सा मिलो। आज मैं सभा करने जलालाबाद पर था, लोगों का विचार जाना, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? मेरा नाम शुभ नाम विंध्याचल यादव, ग्राम सुल्तानपुर उर्फ धुआं सिंह। क्यों विंध्याचल यादव? मैं नाराज हूँ कि हमारे मुंशी जी हमारे हैं, हमारे कार्यकर्ता यहाँ के सब कुछ एक कर रहे हैं, कोई दूसरी बात, हम कट्टर सपाही था, कट्टर सपाही रहेंगे जिंदगी भर। क्यों रहेंगे भाई? हम अगले सरकार में हमको सब कुछ मिला है। क्या मिला है? क्या मिला है? मिला, हमारी बेटी को मिला, लैपटॉप मिला है, नौकरी मिला, हमारे भाई को नौकरी मिला, सब कुछ मिला है, अगले सरकार मिला हमको। अरे लैपटॉप पे फोटो विरोध हो रहा था, क्यों विरोध नहीं हो रहा था? विरोध गलत हो रहे आज की डेट पे, चनाव पे फोटो है जोगी जी का, मोदी जी का, नमक पे फोटो है जोगी जी मोदी जी का, इसलिए 5 किलो राशन मिल रहा है, क्यों नाराज है? 5 किलो राशन हमको दे रहे हैं, फिर भी तो अपना 240 रुपया लीटर डाले ना तेल अपना, सरसों का तेल कितना रुपया हो गया हम लोग का बताए? हम लोग गरीब आदमी है ना, आप बताए? हम लोग गरीब आदमी है ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी है ना कि हम 240 रुपया 50 लीटर
तेल अपना मिला, सबसे तेल हमको मिला, कहाँ से मिला? पेट्रोल कैसा हो गया? शुद्ध है तेल, शुद्ध वो भी नहीं शुद्ध है। ऊपर से हमारा नमक जो भेज रहे हैं उसमें भी अपना चूड़ना है, चूड़ना है ना। मुद्दा क्या होगा चुनाव का इस बार? मुद्दा यह है कि हमारी सपा सरकार अखिलेश यादव यहाँ आप आना चाहिए। क्यों आएगी सपा सरकार, क्या करते हैं? और आएंगे तो फिर भी कुछ भी नहीं हो पाएगा हम लोग का। क्या सपा सरकार, क्या उम्मीद हम रखते हैं? हम रखते हैं कि भविष्य को बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? गरीबों का इज्जत क्या काम करेंगे? गरीबों का काम बताइए, काम काम तो बहुत किया है वो। नहीं, काम बताए क्यों आएंगे? काम तो बहुत किया है वो। कौन सा काम बताएंगे? आज दो गाड़ी चिंतित गाड़ी थाना पर दिए है। हाँ, कौन सा? डिलीवरी वाली आई कुंड नंबर वा बटन की व्यवस्था, उन्हीं की व्यवस्था है। कुंड नंबर वा बटन डालना सो नंबर अखिलेश के खोलन रहा गाड़ी ओकर चाय खिया गया कुछ खत्म है। थाना पुलिस शहरों के जाने पर गाड़ी देता है तुम थाने कैसे थाने में आ जाओ। तो आखिर में घोषणा पत्र में अखिलेश क्या लाए हैं उसको बताएंगे? लाए हैं गरीबों का मदद करेंगे। क्या मदद करेंगे, कौन सा मदद? बहुत मदद किया है। क्या करेंगे? 300 यूनिट बस बोला, 300 यूनिट बिजली फ्री। आपका नाम क्या है? पारस सिंह। पारस जी 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 लदिया लदिया नया पंचायत पारस निहाल जी। आप बताइए इस भाजपा सरकार क्यों नाराज है? जबकि 500 राशन दे रही है, सारा सुविधा दे रही है, चना दे रही है, रिफाइंड तेल दे रही है, क्या दिक्कत है बताइए? भाजपा से पूरी दिक्कत। क्या दिक्कत है बताओ? अराजकता बढ़ी हुई है, किसानों का एकदम अति हो गया है, पशुओं से चार खिलाकर जी 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 योगी जी कह रहे हैं कि अपराधी मुक्त प्रदेश हो गया है। योगी जी खुद गुंडा आदमी है, उनके भारी गुंडा आदमी योगी जी है। थोड़ा हमसे बात करिए। और किसान हित में वो एकदम सरकार गलत है। हाँ राइट। और जात बिरादरी का भू वासना ज्यादा है। जी 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 ठाकुर बाहुलता मामला खुल्लम खुल्ला योगी जी कर रहे हैं। योगी जी उस पद लाद नहीं है, मठ में गोर पराए के 10 पैसा लेवा वाला है, उनका कोई मतलब नहीं सर। कौन सा आदमी है जो आपके आगे पिता? अखिलेश यादव ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव ऐसी ऐसी योजना चलाए है, बोले अखिलेश यादव जिंदाबाद। अपना नहीं कर सकता है। कौन सा? अरे 108 कन्या विद्या धन और लैपटॉप पढ़ाई लिखाई और नौकरी के प्रति और विद्वान आदमी है, वो किसान हित में बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में जानते हैं क्या डिग्री है? क्या डिग्री? इंजीनियरिंग और ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं विद्वान आप, वैसा अनुभवी और वैसा ईमानदार चरित्रवान। तो क्या विश्वास करते हैं कि सारे जो सिस्टम है घोषा बंद दे दे पिछली सरकार में उन्होंने विश्वास है पूरा। पिछली सरकार में जो वादा किया था वो 5 साल में सबको टच कर दिया। ये भी जो वादा किया है पूरी जनता को विश्वास है कि 5 साल के अंदर सब चेकअप कर देंगे। 300 यूनिट बिजली हर घर को, हर परिवार को, जात बिरादरी से हट के मामला किसी एक सिंगल को नहीं मिलेगा। यादव है तो यादव को मिलेगा। लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मुलायम सिंह सरकार यादवों का पर डर है। नहीं, गलत है। बीजेपी के द्वारा यह जो प्रोपेगेंडा उड़ाया गया है सरासर गलत है। गलत है जी, सरासर गलत है। और अखिलेश ऐसा जनता के हित में कोई नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इनका घोषणा पत्र बता दीजिए, क्या घोषणा पत्र? मेन बिजली 300 यूनिट बिजली क्या फ्री रहे? कैसे रहे फ्री? एकदम टोटल फ्री, हर जात बना हुआ नहीं मामला है। और ये पेंशन योजना जो है बहाली वाला मैटर है, सरकारी कर्मचारी ऑल लेडी सबका, और उनका कन्या विद्या धन और 1500 वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं, लैपटॉप है, विधवा वृद्धा सब उन्होंने सब फाइनल किया है। दे देंगे क्लियर दे देंगे। सरकार में जो वादा किए थे सारी योजनाओं को उन्होंने पूरा और आगे तमाम जितनी उनकी घोषणा है छोटी बड़ी सब पूरा कर देंगे। विश्वास करते हैं आप लोग? हो जाएगा 100% विश्वास, क्योंकि पिछली सरकार में उन्होंने जो
संकल्प अपने दिया था सारा उन्होंने करके देखा क्या किया बताइए। ये लोग जो भी सरकार इसमें हमने बनाया तो उदाहरण मोदी जी कर रहे हैं, सब अखिलेश की देन है, सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है, अखिलेश की देन है, सब उन्होंने प्रोपोगंडा करके और दबंगई से सरकार में है अपना पत्थर और शिलान्यास कर करा। सुनने में आके हरीश कहते हैं कैची आए थे दिल्ली से, फीता सब लखनऊ से, क्या रहे आप लोग की वो सब सरासर कैची फीता वो सब गलत कराए तो माने आप लोग का विचार क्या है अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? अखिलेश की बनने जा रही है, समाज समाज अखिलेश को वोट दे रहा है। तीन चार चरण जो है क्या कर रहे हैं जैसा बनाएंगे आप लोग सरकार अखिलेश की? अरे अखिलेश किसान हित में और जनता के हित में है, योगी तो है नहीं कि केवल हित बताइए ना, क्या हित है उनका, उनके बनने से क्या हित हो जाएगा? अरे तमाम योजनाओं का सब किसान और जनता का नाम बताएं का नाम। अरे हम बताए ना कि बताइए फिर बताइए वृद्धा पेंशन और नौकरी वाला जो है सर नौकरी। अरे जो लड़के लीकेज पेपर हो गए तो उनके लिए क्या करेंगे अखिलेश? अखिलेश ने पूरा शिक्षा मित्र को और जो ये 70,000 की भर्ती है पारदर्शिता के साथ इन्होंने 27% का जो आरक्षण का घोटाला किया है आरक्षण का योगी जी, और जब थोड़ा सा वो हल्ला किए तो 68,000 की लाली पाप देकर, जबकि 69,000 की भर्ती हो गई कोर्ट में गया तो 69,000 में फिर 68,000 कैसे नियुक्ति लेटर देंगे? ऐसा भ्रष्टाचार और ऐसा झूठ है आदमी किसी सरकार में नहीं, किसी सरकार में है। इको गार्डन तमाम अभ्यर्थी टेक मोर्चा तमाम अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? लाठी डंडा भी खाए तो उसी का रिएक्शन है, जनता अखिलेश के साथ है, उन्होंने नंगा नाच किया है, सबके हित सबके साथ किया है। तो आप लोग पूर्ण विश्वास में है? पूर्ण विश्वास है कि उनकी सरकार बनेगी। आज मैं सपा कार्यालय जलालाबाद पे था, रिपोर्टर प्रेमचंद यादव जलालाबाद। लोग यह कह रहे हैं कि हम लोग सपा के साथ रहेंगे क्योंकि सपा सरकार गरीबों का मसीहा है, धरती पुत्र गुलाम यादव का जो है कि बोले अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।